नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनीज के बारे में, जिसके बारे में मैं बहुत बार चर्चा भी कर चुका हूँ, आज भी करूंगा, क्योंकि इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न बन रहा है। क्योंकि जितने सारे लोग निवेश अभी तक नहीं किया है, शायद उसके लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो अच्छा खासा एक मौका दे रहा है। क्योंकि कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज का किंग है, उस सेक्टर का किंग है, उस सेक्टर का नंबर वन कंपनी है। तो कंपनी कौन सा है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो मैं पहले बता चुका हूँ कंपनी जो है वो केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, केमिकल में बहुत सारे लीडर्स लीडर्स प्लेयर्स है, तो उस लीडर्स प्लेयर्स में अलग अलग सेक्टर के केमिकल्स कंपनी है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है यूपीएल। तो यूपीएल आप सभी जानते हैं, एक एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में आप इंडिया में देखेंगे तो एग्रीकल्चर जो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखाता है इंडिया का, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत मतलब बहुत तेजी से किया जाता है और बहुत जगह पे किया जाता है, और एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस रखे हुए है। क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं होगा तो लोग खाएंगे कहाँ से, पिएगा कहाँ से, तो इसीलिए एग्रीकल्चर को बचाने के लिए, उसको तेजी से ग्रोथ कराने के लिए केमिकल इंडस्ट्रीज भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो उनमें से मैं जिस कंपनी के बारे में आज बात कर रहा हूँ वो है यूपीएल। यूपीएल मुझे सबसे पसंद था एक कंपनी, क्यों लगता है, क्योंकि मुझे इस कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ दिखता है। उस स्ट्रेंथ क्या है चलो मैं आप आज बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे चीज देखने को मिलेगा। तो ईएसजी रैंकिंग के ऊपर देखा जाए, रैंक नंबर वन बाय द सस्टेनेबिलिटी, आप देख सकते हैं 2022 के अंदर अंदर। थर्ड यहाँ पे देखिए कौन, मतलब जो कंजर्वेटिव ईयर्स है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अभी भी नंबर वन रैंकिंग में है। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में कुछ स्टेन आपको दिखाऊंगा, कंपनी 50 साल पुराना हो चुके हैं, 50 साल का एक्सपीरियंस है। देखिए जितना पुराना कंपनी होगा उतना ही उस कंपनी में स्टेन आपको दिखेगा। तो 50 साल पुराना कंपनी है, और कंपनी के देखिए तो टोटली एक नंबर वन कंपनी यहाँ पे बता रहा है। साथ ही साथ कंपनी इन द इंडस्ट्रीज में टॉप 5 कंपनी में है। इस इंडस्ट्रीज मतलब टोटली केमिकल, टोटल केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर बात किया जा रहा है, तो 5 नंबर रैंकिंग में है। तो एम्प्लॉय जो है टोटली ग्लोबली मार्केट में 10,000 से भी ज्यादा। कंपनी का प्रोडक्ट रजिस्टर कितने कर चुके हैं, 13,000 से भी ज्यादा। इसका मतलब 13,000 से भी ज्यादा इसका प्रोडक्ट है। तो एक एक करके प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो आपको तो बहुत तकलीफ होगा, तो कंपनी का प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ कंट्रीज के ऊपर कंपनी सेल्स आउट करते हैं अराउंड 138। ये सारे चीज मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस का मॉडल से, कंपनी का जो जिस तरीके से काम कर रहा है, उस हिसाब से कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। कंपनी टोटल रेवेन्यू जनरेट किया $6.2 बिलियन, अराउंड अराउंड 462 बिलियन रुपीज, तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यूज होते हैं। साथ ही साथ कंपनी का ग्रोथ जो है 19% का ग्रोथ हुआ है, ऑब्वियसली एक अच्छा खासा माना जाता है। 15% के ऊपर कोई भी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है तो बहुत स्ट्रेंथ उसके ऊपर देखने को मिलता है। तो कंपनी का ईबीटा मार्जिन जो है $1.4 बिलियन है, और साथ ही साथ कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है, 43 फैक्ट्रीज है कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्योंकि देखिए इतना ज्यादा फैक्ट्रीज तो होगा ही, क्योंकि 13,000 से भी ज्यादा उसका प्रोडक्ट बनते हैं, और साथ ही साथ 138 कंट्रीज के ऊपर वो माल बेचते हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ है इस कंपनी के बारे में। तो आरएनडी के बारे में बात करो तो 18 जो अलग अलग मतलब फैसिलिटीज है, तो आरएनडी के हिसाब से कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर 18 जगह पे कंपनी आरएनडी के ऊपर काम कर रहा है। एक बहुत बड़ा स्टेन इस कंपनी के ऊपर आपको दिखेगा। कंपनी देखिए कौन सा सेक्टर के ऊपर है, सबसे बड़ा ये चीज मुझे अच्छा लगा, कंपनी बायो सॉल्यूशन के ऊपर। देखिए बायो सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे खेत में देखा जाए तो सब्जी ठीक ठाक हो नहीं जाता, मतलब होते नहीं, क्योंकि उसका जो मिट्टी जो है हो ना, वो मिट्टी बहुत ज्यादा मतलब खराब हो चुके होते हैं। तो इसलिए उस बायो सॉल्यूशन करने के लिए, मतलब बायो बायो सॉल्यूशन के हिसाब से उस प्रोडक्ट के और क्रॉप के जो ग्रोथ होना चाहिए
वो मिट्टी से नहीं मिलता, तो इसलिए उसके केमिकल्स इसी कंपनी बनाते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, क्योंकि क्रॉप प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, साथ ही साथ बहुत सारे एनवायरमेंट के प्रॉब्लम के इशू से, इतना गर्मी, इतना बारिश, सर्दी, मौसम के चेंज होने के कारण फ्रूट के भी मतलब चेंजिंग हो जाता है, तो फ्रूट के भी प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो इसलिए क्रॉप के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ ही साथ सीड्स के ऊपर भी। सीड्स बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि सीड्स अगर नहीं रहेंगे तो नेक्स्ट ईयर में आप कोई भी एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। तो सीड्स को कल्चर करना, सीड्स को ठीक ठाक रखना और सीड्स को भी बनाना इस कंपनी के हाथ में है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो पोस्ट हैवरेस्ट, तो इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो इसीलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले कि कंपनी किस बेसिस में खुद का पोटेंशियल यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका जो सीईओ है, और उन्होंने खुद यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे मतलब न्यूज अपडेट करते हैं, बहुत सारे न्यूज पब्लिश करते हैं। तो उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जो स्ट्रेंथ है मैं आपके सामने डिस्कस किया हूँ। अभी जो मेन पॉइंट्स है इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स, तो उसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले बता दूँ कंपनी 56,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और कंपनी का पी रेशियो एकदम बेस्ट लेवल में है। कहा जाता है 10 से 30 के अंदर होना चाहिए, 10 मतलब लोअर साइड, 30 मतलब अपर साइड। ये दोनों साइड के ऊपर देखा जाए तो अच्छा खासा देखने को मिला। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी यहाँ पे बेस्ट लेवल में है, और साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा डेप्थ है, मैं मान लेता हूँ थोड़ा सा डेप्थ है, करीबन करीबन 33,000 करोड़ के आसपास। तो डेप्थ में थोड़ा सा मुझे करेक्शन होना चाहिए, इस तरीके से मुझे देखना चाहिए था, फिर भी थोड़ा सा डेप्थ यहाँ पे जरूर देखने मिला। 1% के ऊपर डेप्थ है, मतलब थोड़ा सा प्रेशर तो कंपनी के ऊपर है ही, क्योंकि अगर कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक नहीं चला तो डेप्थ के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा। तो उसी चीज यहाँ पे देखने को मिला है, 4,400 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 56,000 करोड़, और कंपनी का इंटरप्राइजेस वैल्यू 86,000 करोड़ के आसपास है। तो बाकी पैसा कहाँ से आया, बाकी पैसा वो एक्चुअली दूसरे कंपनी के ऊपर कंपनी निवेश करके रखे हैं, तो उसका भी वैल्यूएशन यहाँ पे देखने को मिला है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिलेगा 1 साल 2 साल 5 साल में, और कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा खासा देख, कैश इक्विपमेंट भी अच्छा खासा देखने को मिला। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया ही देना पड़ रहा है, अच्छी बात है। मतलब इंटरेस्ट कवरेज भी, इंटरेस्ट ज्यादा होने के कारण भी फिर भी कंपनी 3 रुपया करके मतलब 3 गुना इंटरेस्ट कवरेज से भी ज्यादा पैसा कमा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। तो पैग रेशियो भी ठीक ठाक है, 1% के नीचे है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ करता है, यही खासियत मुझे इस कंपनी में देखने को मिला। जो कंपनी लगातार लगातार खुद का प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ कराता है तो उस कंपनी में एक स्टेंथ बन जाता है। तो इसलिए देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट लेवल में है, 15% के ऊपर है तो उस कंपनी को बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न कर्व रेशियोज में 3 साल में 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस आपको शायद ना लगे, मगर 5 साल में 10 साल में कंपनी धमाका जैसा परफॉर्मेंस दिया। और कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करो तो कभी भी कैश फ्लो नेगेटिव में नहीं गया, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव और ग्रोइंग मोड में देखने को मिला। इसलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। पहले देखिए एफआई प्रोमोटर के पास 27% होल्डिंग था, प्रोमोटर खुद इस बार स्टेक बढ़ा चुके हैं, प्रोमोटर खुद खुद का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। उसके बाद आप एफआई के बारे में बात करो तो 41% का होल्डिंग देखने को मिला था, अभी 37% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। डीएस के पास 12.5% का होल्डिंग था, अभी 16.5% के आसपास होल्डिंग है, इसका मतलब डीएस ने भी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। और पब्लिक के पास जो होल्डिंग 17% के आसपास था, आज वो 15% हो चुके हैं, इसका मतलब पब्लिक थोड़ा सा माल बेचा है, इंस्टीट्यूशन माल थोड़ा सा खरीदारी किए हैं, और प्रोमोटर भी माल खरीदारी किए हैं। तो हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को जरूर मिला है। तो अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, जो मैं आपको बोला था पहले कि इस कंपनी में एक 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 यहाँ पे जो चीज देखने को मिला है, मैं इस तरीके से पहले भी बहुत बार देख चुका हूँ, जब कोई स्टॉक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है तो उस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो आप होल्ड करिए, मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।